खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज तख्त श्री अकाल तख्त साहब जी ने जथेदार की सेवा से संभाल सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने सांभी आ। गुरु साहब ने कृपा की, पंथ ने सारे ने एकत्र हो के उन्होंने अज सेवा से सुशोभित किया। सिंह साहब को जिते बहुत बहुत बधाई दिना, उत्थे समुचे पंथ को भी बधाई दिना कि सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी बतौर पंज प्यारे, उस तो अलावा बतौर ग्रंथी से बतौर जथेदार श्री केसगढ़ साहब सेवा निभाते रहे आ। समा चुनौतियां भरा आ, पर इस समय के उत्ते मैं समझदा ठम्मे ते सहज दे नाल सिंह साहब योग अगवाई कर एक मैं, क्योंकि कई बार इन्हां दीआं गल्लां रह जांदियां जिहड़े असैंबली दे विच इह कहिंदे सी कि असीं पवित्र गुरबाणी घर घर पहुँचाउणी आ। मैं उन्होंने पूछना चाहना कि जिस वेले भगत साहबाना के नाम लाए वो बीटा रीटा करके लेते आ, गुरबाणी की यह संदेश आ। धन गुरु पंजम पातशाह ने उन्हां भगतां नूं जी की करके कहा, तो यह असैंबली के हुण इदां पाउणगे प्रोटोकाल कि जिदा किसी पिंड के किसी छोटे बच्चों के नाम लेते आ, किसी ना भगत नहीं लाया। गुरु पंजम पातशाह ने गुरबाणी की जिथे शुरुआत की बाणी भगत नामदेव जी की, बाणी भगत कबीर जीओ की, तो ये उत्थे की कर रहे आ। जिमें आप एक पहाड़ा पढ़ी दा एक गुरबाणी का सत्कार आ, उन्होंने गुरबाणी रची आ जिन्हों का इनाम लै रहे थे। मैं कहना शर्म आनी चाहिए आ कि उत्थे गुरबाणी दीआं गल्लां करन वाले घर घर पहुँचाने वाले उत्थे असैंबली दे विच इह सुनेहा दे रहे। सब तो पहाड़ा साबत सूरत दस्तार सिरा गुरु नानक देव पातशाह जी पवित्र गुरबाणी का कथन आ। मनुख साबत सूरत ते सिर ते दस्तार होवे ते जिहड़े टांचा करदे दाड़ी ते ते फिर नाल ते दाड़ी बन्नी आ ते कदे खोली आ ते नाल एक्टिंग करके दसदे आ। मैं पुछदा ये उस पवित्र गुरु नानक देव पातशाह की गुरबाणी का वोदा निरादर तो नहीं कि साबत सूरत दस्तार सिरा, इन्हां दा साबत सूरत ते कोई नहीं ते दस्तारां भी सजाइयां, वो दस्तारां भी दिखाउण नूं सजाइयां, थले केस है नहीं। मैं समझदा बड़ी वड्डी नहीं उहदा उलंघना कीती आ, गुरमत दी उलंघना कीती, घर घर कह के ये गल कहनी कि असीं घर घर च गुरबाणी पहुँचावांगे, असीं भी पहुँचावांगे, असीं सारा तय किया आ। पर यह मुद्दा जिहड़ा आ एक पंथक मुद्दा, ये चाहते आ भी ये सारा असीं उहदा लाहा लै लईए। उहदे नाल मैं एक होर जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, अज कई बोलते आ कि श्री अकाल तख्त साहब ने दिशा निर्देश दिता सी धामी नूं, श्रोमणी कमेटी को निर्देश दिता सी कि तुसीं ये चैनल चलाओ जी आया नूं, असीं बिल्कुल धन्नवाद करदे सिंह साहब दा उहदे लई लगे हां। तो सिंह साहब ने एक आदेश इन्हां नूं भी किया सी कि जिहड़े बंदी सिंह आ पंजाब की सरकार ये भी छड़ाओ, तो मता उस असैंबली लै आउंदे जे जुड़ते आ, तां फिर उत्थे क्यों नहीं मता लिआंदा। मैं इन्हां नूं पुछना चाहुंदा कि जे बल्ले हैगे उत्थे दे भगत पंजाब दे, ते फिर अपने सरदार गोविंदरपाल भुल्लर जिहड़े उत्थे अपने 28-29 साल की सज़ा भुगत रहे आ, ते इन्हां दे लाला जी साइन क्यों नहीं करदे उहदे ते? इह किहड़ी आ, इह अकाल तख्त की मर्यादा की लंघना नहीं? इन्हां नूं निर्देश नहीं दिते? सिंह साहब ने पिछले इत्थे महीने वो डिब्रूगढ़ वालिआं ने भी संदेश दिते सी, 27 बच्चे अज बेकसूर इतने अमृतसर जेल च आ, होरना जेलों से बैठे आ, सानू दसदे आ ये गल। ये कह के भाई जेडे मैं किसी का नाँ नहीं लैना, पर बोलन लगे सोचा करो 100 बारी। उत्थे तुसीं असैंबली च निरादर किया भगतों का जिन्हां की गुरबाणी गुरु पंजम पातशाह ने त्रुट करके सिख हर वेले सवेरे अमृत वेले उठ के नमस्कार करता, तो थानू शर्म ना आई नाँ लैन लगियां? तुसीं उन्हां दा भगत नहीं ला सके, सत्कार नहीं भेट कर सके? तो दाड़ा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने ककार के तौर पर साबत सूर सिख होना चाहिए, तो तुम फिर टांचा करोगे उत्थे असैंबली के बच्चे गल करोगे? मैं चाहता नहीं सी बोलना, पर मैनू हुण मजबूर होकर बोलना पिया, जैसे को तैसा भी हो जाता, एक दफा टैट भी हो जाता, इदा दियां गल्लां ना करो। उस तो बाद जिहड़े डिब्रूगढ़ वाले आ उन्होंने अकाल तख्त ने संदेश दिता सी उन्होंने सरकार ने, उहदे ते भी चुप बैठे। मैं एक इस तों इलावा एक वड्डी गल मैं होर करनी चाहुंदा, सुप्रीम कोर्ट का आसरा लैके ये कह रहे जी असीं पंजाब का एक्ट जिहड़ा आ उहदी तरमीम करती, तो उस असैंबली दे विच डी जी पी लई एक उत्थों सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई
कि सेंटर सरकार जिहड़ी आ ओह सेंटर सरकार नूं तीन मैंबर पाउणगे ते अपने हर एक स्टेट उन्हां नूं भेजूगी। गमराह ना करो, बड़ी सियासत पीटीसी के नाते सेध रही है। साडा पीटीसी नाल कोई जाति अदरवाइज कोई है नहीं उन्होंने नाल। असीं तां पहला साल कह चुके सी ते साल ते असीं अपने कार्ज भी शुरू किए हुआ। सो तुसीं मोर खिंचण नूं अज समुचे पंथ नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा, ये जालां तुहाडियां किसे वेले इन्हां ने पंथ नूं खज्जल खुआर करनगियां। बाहर बैठे मूड दर्शक बन के ये ना कहो, इन्हां नूं कहो वी असैंबली दे विच बंदी सिंघां दा मता भी लिया। उहदे विच डिब्रूगढ़ वाले जिहड़े NSA कन्फर्म कीतियां 11 जणे आ, उहनां दीआं NSA नहीं कन्फर्म कीतियां स्टेट ने। ਫਿਰ ਦੋੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਝੂਠੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਤਸਦੀਕਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 45-43 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਰਥ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਅਸੀਂ 4:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ।